हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एस ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों आज हम लोग लुसेंट जीके का निचोड़ का पार्ट टू देखेंगे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को पार्ट वन भाग ज़रूर देखें तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है चौवालीस हजार दो सौ बारह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पंडित भगवत दयाल शर्मा किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है चीन वैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है तो तूफान का भारतीय थार भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है तो थार का मरुस्थल अगला सवाल देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है आसाम पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है सिप्रा निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो चांदी गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है मीथेन स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था तो लोकमान तिलक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष, की। कितने वर्ष के लिए होता है तो छह वर्ष के लिए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है देवनागरी लिपि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दुग्ध मेखला या मिल्की वे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है उदंत मारतंड तुलसीदास रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है अवधि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं उदय भानु हंस आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई एथेंस यूनान में सन अठारह सौ में भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है तो हॉकी भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक और कब जीता था तो सन 1980 तो में मास्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है तो चार वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है लुसान स्विट्जरलैंड सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए लंदन ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं पांच एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है माइकल फेल्प्स सन 2020 में ओलंपिक खेल कहा होंगे टोकियो जापान में सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध स खेल से है बैडमिंटन भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था सन उन्नीस सौ ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है करणम मल्लेश्वरी वैक टू वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया महर्षि दयानंद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है कैल्सियम मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है प्रोफेसर अमृत्य सेन भारत रत्न उस्ताद्ला विश्म, खां किस यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं शहनाई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे सी राजगोपाल चारी भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था रूस उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है हिमाद्री विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जापान की जून को तबाई पीलिया का संबंध किस अंग से है यकृत या, या लीवर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है, है? मैग्नीशियम एलपीजी गैस में क्या होता है ब्यूटेन किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसेस किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उपगुप्त कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था अकबर अमृतसर की स्थापना किसने की गुरु रामदास गदर पार्टी का संस्थापक कौन था लाला हरदयाल सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की गुरु अंगद देव सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ऋग्वेद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई सन उन्नीस में चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया नालंदा कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है ओ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दो सौ सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है विटामिन डी मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है मलेरिया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था अलेक्जेंडर ग्राहम वेल प्रकाश की गति कितनी होती है तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया कोपर निकस ने वर्ष का संबंध किससे है खगोलीय दूरी से स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है अमृतसर चार मीनार कहाँ स्थित है हैदराबाद कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दिल्ली गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है मुंबई इंडिया गेट कहाँ स्थित है नई दिल्ली ताजमहल कहाँ स्थित है आगरा आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई सिंगापुर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है पाँच सितंबर खेल दिवस कब मनाया जाता है उनतीस अगस्त किसके दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पाँच जून को करो या मरो का नारा किसने दिया महात्मा गांधी जय हिंद का नारा किसने दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा किसने दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया दयानंद सरस्वती इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया भगत सिंह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आराम हराम है का नारा किसने दिया जवाहरलाल नेहरू जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है लाल बहादुर शास्त्री मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया मंगल पांडे ने फरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। का नारा किसने दिया राम प्रसाद विश्मिल भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र गुप्त को सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की स्वामी विवेकानंद ने महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दो अक्टूबर को महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है महात्मा गांधी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत रत्न फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए परमवीर चक्र भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है कालीदास को कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है चार्ल्स बैवेज को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे यूरी गागरिन रूस के चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में दी जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारती कौन है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया तो आर्यभट्ट सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है बान की मून अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आठ मार्च को दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत